मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। इस हाल में तुम्हारे यहाँ खड़े होना ठीक नहीं। अम्मी, मैं आपको इस तरह अकेले छोड़ के यहाँ पे कैसे जा सकती हूँ? आप भी चले मेरे साथ। रहने दो ये मोहब्बत, ये सब धोखा है। ये रिश्ते, ये नाते, ये चाहते। अम्मी 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 कह के धोखा देते हैं मुझे सब, जानते हैं ना, माँ बेवकूफ है और कमजोर। अम्मी आखिर हुआ क्या है, बताएं तो सही। क्या बताऊं तुम्हें, ताकि तुम भी मेरा मजाक उड़ाओ? अम्मी भला मैं आपका मजाक क्यों उड़ाऊंगी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आप मुझे अपनी बेटी समझ के अपना दुख मुझसे शेयर कर सकती हैं? कुछ बातें शेयर करने से भाई से शर्मिंदगी हो जाती है। आपकी पापा से कोई लड़ाई हुई है? तुम्हें किसने कहा? फयाज के और मेरे दरमियान कभी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ बच्चों की वजह से। बस मेरी अपनी औलाद नहीं, मेरी जिंदगी अजीरन कर रखी है। अम्मी तो क्या आसिम से कोई शिकायत है आपको? नहीं नहीं आसिम से कोई शिकायत नहीं, मैं अयाज और शिराज की बात कर। अच्छा तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। मेडिसिन का टाइम हो गया है, मेडिसिन खाएं ताकि आपकी तबीयत संभले। ले लीजिए। सारी जिंदगी बड़ी ईमानदारी से गुजारी, हलाल कमाया, हलाल खिलाया। जिंदगी इस मुश्किल में डाल देगी, कभी सोचा भी नहीं था। जिंदगी भी अपने नए और बहादुर लोगों से मुकाबला लेती है। आप लेट जाए, मैं आपका सेट दबाती हूँ। चलिए। थैंक यू। नहीं, आराम करो जाके। शकीला कहाँ है? मैं यहाँ हूँ फयाज, आपके करीब हूँ। आयमा तुम जाओ। मैं दूध लेकर आती हूँ। नहीं रहने दो, मैंने सखावत को कह दिया वो ले आएगी। फयाज को पैसे भिजवा दिए। आप छोड़े ना इन बातों को, आराम करें। कैसे आराम करूं, मेरी वजह से बच्चे मुश्किल में पड़ गए। बस रहने दे, कोई मुश्किल में नहीं फंसे। अयाज ने खुद अपने लिए मुसीबत मोल ली है, क्या जरूरत थी उसे उस फिरंगी औरत से शादी करने की? बस हमारे एशियाई लड़के इस लालच का शिकार हो ही जाते हैं। बस रहने दीजिए फयाज, अयाज और शिराज ने भी बहुत दिल दुखाया मेरा। क्या कल तक तुम शिराज के लिए उसकी हिमायत में मेरे सामने हाथ जोड़ती थी, आज इतनी मुखालफत? बस क्या कहूं, और मैं कलासिम आ जाएगा ना। क्या हो गया शकीला बेगम, क्यों बेरब सी बातें करने लगी हो? बेतरतीब, कभी अयाज, कभी शिराज, कभी आसिम, हमारा चौथा बेटा अली भी है, उसके बारे में क्या ख्याल है? उसकी शादी हो जाएगी तो वो भी यही सब कुछ करेगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अली के रिश्ते का फैसला हमने बहुत जल्दी में जज्बाती होकर कर लिया। देखिए ना, अभी आयमा इस घर में सिर्फ, और अभी सही इस घर की हर अच्छी बुरी बात में दखल अंदाजी करती है। कल को बहू बनकर जब इस घर में आ जाएगी तो इन्हीं कमजोरियों का फायदा कल को उठाएगी। कैसी बातें कर रही हो शकीला, हर एक को बुरा कह लेना लेकिन आयमा को नहीं। आयमा बहुत भोली भाली और मासूम सी लड़की।
कॉफी। वैसे रात को कॉफी पीना अच्छा नहीं है, अब नींद भी नहीं आएगी आपको। सुबह जा रहा हूँ, बैठो मेरे पास। ठीक है। अरे बैठो, तुम्हें यहाँ बैठने से एतराज क्यों है? क्योंकि मुझे अपनी हदूद में महदूद रहना ही अच्छा लगता है। मुझे कुछ कहना है तुमसे। सुन रही हूँ, आप कहिए। यही कि आयमा, तुम मेरी सोच से ज्यादा अच्छी हो। तुम्हारा ये मोहतात रवैया मुझे बहुत पसंद है। पता है तुम्हें, मैं हमेशा से ये सोचता था मेरी जीवन साथी ऐसी हो जिसकी शराफत की मैं कसम खा सकूं। आयमा, आई लव यू। जवाब नहीं दोगी? इस बात का जवाब दिया तो समझे मैंने अपनी हदूदें पार कर ली हैं। मगर मुझे जवाब चाहिए आयमा। और मेरे पास जवाब नहीं है। यानी तुम जवाब देना ही नहीं चाहती? अच्छा, अगर जवाब देती तो क्या होता जवाब तुम्हें? शायद आपने जो कहा है दोहरा देती। आयमा, आपने जो लीजा भाभी का बीमारी का बहाना बनाया था ना, अम्मी ने सारा का सारा प्लान बर्बाद कर दिया। और 10 लाख का चेक जो पापा ने बना के दिया था वो मेरे मुंह पे मारा, साथ में थप्पड़ भी लगाया। What? अम्मी? वैसे कमाल, कुछ ही दिनों में तुमने अली को अपना दीवाना बना दिया। प्लीज भाभी, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा मैंने। फैसल, फैसल, अरे तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाले, ये क्या हरकत थी? नजर नहीं आ रहा क्या? क्या हरकत? ये पैसे चुराने शुरू कर दिए? वो तो मैं काफी अरसे से चुरा रहा हूँ। किस कदर ढीठ हो गए तुम? अरे आखिर तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुमने घर में पैसे चुराने शुरू कर दिए? मुझ पर पाबंदियां लगाई जा रही। फैसल, फैसल, अपने करतूतों से बाज आ जाओ। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं बदली तो ये सारी दौलत तुम्हारे डैडी किसी ट्रस्ट के हवाले कर देंगे, फिर तुम देखते रह जाना, एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे डैडी तो क्या, तुमने तो मुझे भी मायूस कर दिया है। तो चोरी करूंगा। शर्म करो, अभी तक तो तुम घर में चोरियां कर रहे थे, अब क्या सड़कों में जाके लोगों के मोबाइल छीनोगे? हाँ मोबाइल छीनूंगा। लगाओ तुम्हें पकड़ के। फैसल, जी तो चाहता है कि तुम्हें अपने हाथों से भी शूट कर दूं। निकल जाओ मेरे घर से। सुन लिया, ये मेरा नहीं इनका घर है। फैसल, फैसल रुको, फैसल, क्या किया आपने? अरे जवान औलाद है, कुछ तो लिहाज किया करे, अगर कहीं चला गया तो कहां जाएगा? जहन्नुम में जाएगा। ठीक तो आप भी ना, किसी दूसरे के बेटे के लिए तो आप इतना परेशान है और अपने बेटे को जहन्नुम में भेज रहे, बहुत बुरे बाप है। फैसल, 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 फैसल रुको, फैसल मेरी बात तो सुनो, फैसल, फैसल खुदा के वास्ते रुक जाओ, फैसल घर से यूं नाराज होकर बच जाओ, फैसल प्लीज। आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा है कि ये मेरा नहीं उनका घर? वो कमाल तो इसमें गुस्से में, और पता नहीं आसिम ने उनके ऊपर क्या जादू कर दिया, हर वक्त उसी की तारीफ करते रहते। तुम छोड़ो उनको, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ना मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन यूं घर छोड़कर मत जाओ बेटा। मामा मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं पलट कर यहाँ कभी नहीं आऊंगा। फैसला, अगर तुम इस घर से चले गए तो मैं मर जाऊंगी, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा है कौन? तुम्हें देख देख कर जीती हूँ मैं। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए होंगे मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन बेटा
तुम भी अपनी आदतों को छोड़ दो। नशा करना, रात रात भर दोस्तों के साथ गुजारना, ये सब खत्म कर दो। मुझे घर में सुकून कहाँ मिलता? तो मेरी जान, पढ़ाई पर तवज्जो दो। फारिग वक्त में अपने डैडी के ऑफिस चले जाया करो, काम में उनका हाथ बटाओ, इस तरह उन्हें भी मदद मिल जाएगी। अब आप प्लीज मुझे तो जाने दें। जाने से पहले मुझसे वादा करके जाओ कि वापस आकर अपने डैडी से माफी मांगोगे। मामा, माफी तो मैं उसे मांगूंगी, मगर नाराज होने का बहाना वो खुद ढूंढ ले। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम जल्दी वापस आ जाना। अच्छा मामा, मैं आ जाऊंगा, अब मैं जाऊं। जल्दी वापस आओगे ना? जी जी, जल्दी आ जाऊंगा। जाओ। तौबा है कसम से। क्या हुआ? सखावत ना बहुत काम चोर हो गई है, एक काम 10 बार बताओ फिर भी ठीक से नहीं करती है। आयमा, तुम अपनी पढ़ाई पे भी तवज्जो दे रही हो कि नहीं? क्या हो गया आप ही? पढ़ती तो रहती हूँ। फिर आप ही अली सुबह चला जाएगा? जाहिर सी बात है, उसने तो जाना ही था। मूड ऑफ लग रहा है आपका, क्या हुआ? कुछ नहीं आयमा, मुझे तो समझ नहीं आता क्या करूं। पापा ने पैसे भिजवा भी दिए, उसके बावजूद अम्मी का मूड ऑफ है। हाँ, मैंने भी महसूस किया था, का मूड तो ऑफ ही है, लेकिन आसिम भाई की वजह से परेशान होंगी ना वो। आसिम की वजह से परेशान हो ही ना जाए, आसिम की किसी को परवाह नहीं है। तुम देखना, सबकी असलियत में आसिम को आते ही बता दूंगी। क्या हो गया आप ही? आपको क्या जुदाई डलवाएंगी रिश्तों के दरमियान? जुदाई तो बहुत पहले ही आ चुकी है आयमा, अगर नहीं आई होती तो अम्मी कभी भी आसिम को लॉकअप में कॉल नहीं करती। भूल जाए ना ये बातें, कब तक याद रखेंगी? फिर नींद आ रही है मुझे बहुत ज्यादा। तो सो जाओ। आप ही, कुछ दिनों में आपके पहलू में फरिश्ता आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा ना आपको। वैसे आयमा, बात का पहलू बदलना तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन हाँ अच्छा तो लगेगा। नाम सोचा है आपने? आसिम सोचेंगे। आयमा, आसिम आ तो जाएंगे ना? क्या हो गया आपको? आ जाएंगे वो, क्यों नहीं आएंगे? परेशान ना हो, बहुत जल्दी आएंगे। आयमा दुआ करो आसिम के दुश्मनों को मुंह की खानी पड़े, आसिम का सर कभी उनके सामने ना चुके। इंशाल्लाह। चलिए, नींद आ रही है मुझे भी बहुत ज्यादा, आप भी सो जाएं। अब अयाज भाई, पापा तो पापा, अम्मी भी अब हमारी दुश्मन बन गई है। आपने जो लीजा भाभी का बीमारी का बहाना बनाया था ना, अम्मी ने सारा का सारा प्लान बर्बाद कर दिया, और 10 लाख का चेक जो पापा ने बना के दिया था वो मेरे मुंह पे मारा है, साथ में एक थप्पड़ भी लगाया। व्हाट? अम्मी? अम्मी ने तो हमेशा मेरी एकतरफी की, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि वो मेरी सौतेली माँ है, आसिम की नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा। मैंने तो सोचा था 6 लाख रुपए आपको दूंगा, 4 लाख अपने पास रखूंगा, मेरे कुछ काम आ जाएगा, लेकिन अम्मी ने तो चिराग लीजा से मेरा वाकई झगड़ा हो गया। उसे मुझे स्पॉन्सर करने से इनकार कर दिया है, अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म कर दिया है, मुझे किसी भी वक्त डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अयाज भाई, आप मेरी माने या लीजा भाभी का पीछा छोड़े, लंदन छोड़कर सीधा कराची आ जाए आप, अपना हिस्सा मांग लें उनसे और अपना बिजनेस अलहदा करें, अयाशी करें, उसके बाद क्या टेंशन। यही करना होगा, पाकिस्तान आके अब यही करूं। मैं कॉल करता हूं। तो लालची खुद कर साले। शायद सुनो, प्लीज एक मिनट बैठो। I'm really sorry, मैं अम्मी की वजह से बहुत गुस्से में आ गया था। तुम्हारी मामा ने तुम्हें थप्पड़ मारा और सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। बीना, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ, तुम तो जानती हो। जब तक रायमा और आसिम भाई है ना,
तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अलबत्ता अगर आसिम और अयाज भाई में फूट डल जाए तो कोई फायदा होगा, वरना एक एक रुपए के लिए तुम्हें इसी तरह भीख मांगनी पड़ेगी। ना तुम्हें कुछ मिलेगा ना ही अयाज भाई को। लगता है मुझे इस बारे में अब संजीदगी से सोचना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तुमसे कुछ नहीं होगा, जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। क्यों नहीं कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं कर सकता हूँ? कुछ नहीं, कम से कम तुम्हारे हाथ की बनी चाय की तारीफ तो कर सकता हूँ। तुमने वाकई बहुत अच्छी चाय बनाई। क्या हुआ आपकी तबीयत को? मुझे जगाया क्यों नहीं आपने? आयमा इतनी देर से मेरा दिल इतना डूब रहा था, ऐसा लग रहा है बीपी बहुत लो हो गया। तो मुझे जगाती ना, जगाया क्यों नहीं? कब से आपके बाजू पे सर रख के सो रही थी, तकलीफ हो रही होगी आपको। तुम इतनी मीठी नींद सो रही थी, मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। मेरी नींद खराब नहीं की आपने, खुद अजियत में थी आप। तो सारे दिन तो तुम काम करती रहती हो, इन घर वालों को तो एक मासी मिल गई है तुम्हारे रूप में, कौन सा सुकून है तुम्हें? कैसी बातें कह रहे हैं आप, ऐसी मनफी सोच दिल में मत लाया करें आप। आयमा आसिम के बगैर मेरा सुकून गारक होके रह गया, मैं क्या करूँ? आसिम भाई आ जाएंगे, परेशान ना हो, उनकी हेयरिंग है ना आज। इंशाल्लाह। आयमा मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा आप वजू करें, नमाज पढ़ें, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। सुबह सुबह उठ के किचन में आ गई तो? आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैंने सोचा किचन में आके देख लो कोई काम वगैरह तो नहीं है। ऐश है भाई तुम्हारी आप ही के, छोटी बहन को देवरानी बना दिया और खूब खिदमतें करवाती है। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप लोग भी तो अपने ही है ना मेरे। तुम्हें पता है कल मामा इतने गुस्से में क्यों थी? क्योंकि अयाज भाई उनसे झूठ बोल के और धोखा दे के 10 लाख रुपए मंगवा रहे थे, और मामा ने सारा गुस्सा शिराज पे निकाला। मेरी तो लो ये भी आ गए, इनको भी तुम्हारी खुशबू आ गई। वैसे कमाल है, कुछ ही दिनों में तुमने अली को अपना दीवाना बना दिया। प्लीज भाभी आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा मैंने। वैसे कैसी बातें करनी चाहिए मुझे? मेरे और आयमा के दरमियान दीवानगी नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग है, और दीवानगी का शिकार तो शिराज भाई हो चुके हैं। मामा को मुसलसल धोखा दे रहे हैं, वो अयाज भाई के जुर्म में शरीक है। धोखा तो मामा को उनका अपना बेटा दे रहा, उनसे झूठ बोला कि लीजा बीमार है, जबकि हकीकत यह है कि लीजा उन्हें डिवोर्स देकर डिपोर्ट करवा रही। सब मिलके मामा बाबा को पागल बना रहे हैं। प्लीज अली, ये छोटी छोटी गलत फहमियां ना घर को फसाद की आग में झोंकते हैं, और कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये बात पीने भाभी को भी समझनी चाहिए ना। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, खूब अच्छी तरह समझ चुकी हूं।
जा रहे हैं? हाँ, मगर तुम्हारे हाथ का नाश्ता करने के बाद। अभी बना दो। मगर हम दोनों आज साथ में नाश्ता करेंगे। जी। सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या बात, आज बहुत जल्दी उठ गई। बस सारी रात आपकी तबीयत काफी खराब रही, अभी उन्हें नाश्ता देकर आ रही हूँ। क्या बात है? परेशानी की बात नहीं, अब बेहतर है वो। आपके लिए नाश्ता बना दूं? नहीं बेटा, तुम्हारी आंटी उठ जाए तो इकट्ठे करेंगे नाश्ता। ठीक है, बस दुआ करो आज आसिम की है रही है, जो भी फैसला होना आज हो जाए। रायमा उसी की वजह से परेशान है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे। आसिम भाई तो बेकसूर हैं, पता नहीं क्यों इस तकलीफ में पड़ गए। आयमा, ये बड़ों के मामलात हैं, इनमें दखल अंदाजी मत किया करो, अच्छा नहीं लगता। नहीं भाई, आयमा बहुत अच्छी बच्ची माशाल्लाह। नाश्ता लगवाओ, मुझे कोर्ट भी जाना है। जी। शकीला, क्या हो गया? जब भी वो तुम्हारे सामने आती है तुम्हारा लहजा कुछ तल्ख हो जाता है। जरा एहतियात करो, तुम्हारी होने वाली बहू है वो। इसीलिए ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाती, दूसरों का हाल देखा है ना आपने। अच्छा बस करो, क्या फजूल बातें लेके बैठ गए। अयाज को पैसे भिजवा दिए? कितनी बार आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे, बताया है ना कि नहीं भिजवाए। जरा सखावत को देखूं, उसे चाय बनाई है ना। अली से अभी सिर्फ तुम्हारी मंगनी हुई है, निकाह नहीं हुआ, इसलिए अपनी हदूद में रहा करो, समझी? अमी, क्या हो गया आपको? आसिम, अमी आपकी दुआओं की वजह से मैं बाइज्जत बरी हो गया हूं। नाश्ता। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, भाभी को नाश्ता देने गई थी। वापस बड़े अच्छे मूड में आई हो। नाश्ता कर लीजिएगा, हमें आज साथ में नाश्ता करना। छोड़ी मुझे? नहीं छोड़ूंगा। छोड़े आंटी? आयमा, वो मैं क्या, वो मैं अली से अभी सिर्फ तुम्हारी मंगनी हुई है, निकाह नहीं हुआ, इसलिए अपनी हदूद में रहा करो, समझी? अमी, क्या हो गया आपको? मैंने आयमा को रोका था, आयमा ने मुझे नहीं। चुप करो, तुम नहीं समझ सकते, बहुत भोले हो तुम, मगर ये तो समझदार है ना, जहां दीदा है। जानती है दुनिया के ऊंच नीच को, दबाने को तो अब देख रही हूं आंटी। आइंदा ख्याल रख, इस घर में अभी सब तुम्हारे नामहरम है, अपनी ये हर किसी से बेतकल्लुफी की आदत को खत्म करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? अम्मी, आपने ख्वामखास से इतना कुछ कह दिया। चुप करो तुम, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, नाश्ता करो, जल्दी तैयार हो।
अरे आयमा, क्या हुआ? ऐसे क्यों छुप के रो रही हो? नहीं, मैं नहीं रो रही। उसने कुछ कहा है क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा भाभी। समझ गई, मैं भी इसी तरह कोनों में छुप छुप के रोया करती थी। मामा ने शक किया ना तुम पे? कहीं वो आंटी ने अली आयमा से पूछने की क्या जरूरत है? जो पूछ रहा है मुझसे पूछो। अरे मामा, वो इस तरह छुप के रो रही थी तो मैंने अज़राए हमदर्दी पूछ लिया, और पता है वो आपकी बुराई करना शुरू हो गई। अच्छा, ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा हमदर्द कौन है और कौन मेरी बुराइयां करना अपना फर्ज समझता है। इसलिए बराए मेहरबानी आयमा से हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि जब तक वो इस घर की बहू बन के आए तुम्हारे ही रंग में रंगी जा चुकी हो। क्या रंग दिखाया मैंने अपना? आप हर वक्त मुझे बातें सुनाती रहती, क्या किया? मकरो फरेब, फ्रॉड, ये है तुम्हारे वो रंग जो तुम्हारे खमीर में शामिल है। आखिर मैंने क्या कसूर किया? आपका बेटा कसूरवार है और आप हर बार मुझे कसूरवार ठहराती। शिराज को जो रास्ता तुमने दिखाया है लालच का, इससे बड़ा भी कोई गुनाह हो सकता है? कोई कसूर हो सकता है? मामा, वो फैसला शिराज और अयाज भाई का था। शिराज मुझसे कभी किसी चीज का फैसला लेते हैं कभी? जबरदस्ती आप अपने बेटों का इल्जाम मेरे ऊपर थोप रही हैं। बीवी अगर सबर और कनात पसंद हो ना, तो उसका शौहर कभी भी हराम कमाई की तरफ नहीं जा सकता, समझी? तो जाओ यहां से। पता नहीं फयाज कहां चले गए, नहीं कोर्ट भी पहुंचना है। बैठो। मैं जानता हूं बेटा, जब से तुम इस घर में आई हो एक पल भी चैन नहीं मिला तुम्हें। पापा, मैं सिर्फ आसिम की सलामती चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। बेटा, मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, आसिम का है। आसिम ने अपनी जिंदगी में बड़ी मेहनत की है, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, और बदले में उसे क्या मिला? बदनामी, जेल। पापा, आपका साथ देना आसिम का फर्ज है, वो आपके सबसे बड़े बेटे हैं। आसिम जैसा मेहनती बच्चा मेरा और कोई भी नहीं है। पापा, आसिम बहुत अकेले हो गए। फयाज, आपको तो कोर्ट जाना था ना? हाँ, बस जा रहा हूँ। मुझे आयमा ने बताया था कि रायमा की तबीयत ठीक नहीं, मैं वो पूछने आ गया था। अच्छा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुमने मुझे बताया ही नहीं। मामा, शायद थोड़ा बीपी लो हो गया। तुम आराम भी तो नहीं करती हो ना? अम्मी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा फयाज, मेरे बेटे को साथ ही घर लेकर आइएगा। दुआ करो आज तुम्हारा बेटा घर लौट आए। जाएं, बस अल्लाह का नाम लेकर जाइए जल्दी। बैठो बेटा, बैठो बैठो, बस अपना ख्याल रखो और दुआ भी करो। ओके। बेटा, दुआ करो कि आसिम जल्दी घर आ जाए। बेटा, तुम्हें जो भी काम होता है ना मुझे बताया करो। फयाज बेचारे अकेले किस किस के टुकड़े सुनते रहेंगे। चलो आओ बेटा, उठो। आओ,
फयाज, यकीनन अदालत का जो फैसला है वो तकनीक पे है, मगर शुक्र है कि आसिम की जान जो है वो जल्दी छूट गई, वरना पुलिस तो रिमांड पर रिमांड में अरसा गुजार देती है और फिर मुकदमा जो है वो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चलता है। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी सारी जिंदगी की मेहनत पे पानी फिर गया। यही एक प्रोडक्ट थी जो हमारी प्रॉफिटेबल थी, उस पर बैन लग गया, क्या बचा मेरे पास, मैं तो दिवालिया हूं। पापा आप प्लीज हिम्मत ना हारें, मैं आपके साथ हूं ना, मैं इंशाल्लाह ये सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। गुनाह किसी और का सजा हमें नहीं, ना इज्जत रही ना कारोबार। अदालत का तुम्हें बाइज्जत बरी करना ही तुम्हारे लिए एजाज की बात है, मगर वो जो कारोबार चला गया, लाइसेंस कैंसिल हो गया, इससे बड़ी जिल्लत क्या होगी, इससे बड़ी जग हसाई क्या होगी। पापा एक्सक्यूज मी, क्या ले हो? हाँ शकीना, बस आ रहा हूं तुम्हारे बेटे को लेके। ओके चले। हाँ आओ बेटा। राहिमा, आहिमा, राहिमा, अरे आहिमा कहाँ हो सखावत, बीबी जान, राहिमा क्या हुआ? मुबारक हो आसी मारे मेरा बच्चा, मेरे दिल का टुकड़ा मेरे सकू। बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे बच्चा, मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना मेरे बेटा? जी अम्मी मैं ठीक हूं, ये देख मैं आपके सामने खड़ा हूं ना बेटा। उन्होंने तुम्हें मारा पीटा तो नहीं, तशद्दुद तो नहीं किया था? आसिम मैं आपकी दुआओं की वजह से मैं बाइज्जत बरी हो गया हूं। पापा आप चलिए कमरे में, मैं आपके लिए कॉफी भिजवाती हूँ। आसिम बेटा जाओ जाके अपने कमरे में तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ, तुम खाना खा के फिर आराम करो। जी अम्मी जाओ। पापा आप ठीक तो हैं? अंकल आप भी आ जाइए, पापा चलिए कमरे में थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, मैं आप लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ। आइए पापा, अंकल आप भी आ जाइए। जाओ जल्दी जाओ किचन संभालो, जाके देर हो रही है खाने में। आओ बेटा बैठो बैठो बैठो, खाना आ रहा है, चाय लगवाऊं तुम्हारे लिए? हाँ अम्मी, मुझे आपकी याद हर वक्त बेचैन रखती थी। हाँ बेटा, तो मैं कौन सी चैन से थी यहाँ, एक एक पल बेचैनी का गुजरा है मेरा, एक असियत में मुब्तला थी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी बेल हुई है या बरी हो गए? अम्मी मैं किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं था, इसलिए मुझे यकीन था कि मैं बरी हो जाऊंगा, और आपकी दुआएं भी तो साथ थी। अच्छा अम्मी अयाज की सुनाए। तब कोई फोन नहीं आया। हर आओ रायमा बेटा बैठो। जी अम्मी मैं। अच्छा ठीक है तुम जाओ किचन में, वो बीना को और आयमा को मैं खाने का कह के आई हूँ। जी अम्मी। रायमा तुम ठीक हो ना?
जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।